Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. अक्सास किचन में आज बन रहा है अचार गोश्त। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ जो जो चीज़ें ली हैं मैंने उनके नाम भी मेंशन कर दिए हैं और चिकन भी मैंने अपने हिसाब से ली है। अच्छा, यहाँ जो है टमाटर जो है किस तरीके से काटनी है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ सबसे पहले जो है मैंने ऑयल लिया है। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर चिकन को ऐड करूँगी। चिकन फ्रीज है, इस वजह से थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा ताकि अलग हो जाए। अच्छा, यहाँ जो है मैंने चिकन को ऐड कर लिया। चिकन को ऐड करने के बाद मैंने 5 मिनट ढक के रख दिया था, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ टमाटर रखने का तरीका ये है कि इसको एक टमाटर को 2 स्लाइस के अंदर काटना है, ठीक है। और इनको जो है मैं इस तरीके से रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से मतलब गल जाए, जो भाप होती है उससे उसका छिलका ऊपर आ जाए। तो यहाँ अभी देखिएगा आप किस तरीके से मैंने टमाटरों को गलाया है। और यहाँ मैंने इसको ढक दिया था और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अच्छा, अब जो है मैं इसको पहले चेक करूँगी। चेक करने के बाद जो है अब मैं इसके छिलके हटा लूँगी। देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। टमाटर को मैंने एक साइड पे कर दिया, सारी चिकन एक साइड पे कर दी थी। तो इस तरीके से टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। और यहाँ जो है मैं इसके छिलके निकाल लूँगी। छिलके निकालने के बाद इसको थोड़ा अच्छे से मैंने भुना था और देख सकते हैं किस तरीके से टमाटर को मैंने अलग कर दिया था। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट लिया है और दही ऐड किया है। दही आप उतना लें जितना आपको मसाला बनाना है। अच्छा, यहाँ जो है मैंने दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और यहाँ जो है मैं आज पैकेट से बना रही हूँ। विदाउट पैकेट वाली भी रेसिपी आप लोगों को दिखा दूँगी, चाहे तो आप लोग विदाउट पैकेट भी बना सकते हैं। सेम चीज़ें होती हैं, बस ये है कि आप लोगों को चीज़ों के नाम बता दूँगी कि भाई ये चीज़ें डलती हैं, तो आप लोग इजीली घर में ही बना सकते हैं, पैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे टमाटर के छिलके निकाल लिए थे। अच्छा, यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप लोग हरी मिर्चों को अगर उसके अंदर मसाला डालकर अचार गोश्त का उसको रखेंगे तो बड़ी ही मज़े की लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा अचार गोश्त के अंदर मिर्चें भर कर डालती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने पहले हरी मिर्चों को बीच में से काट लिया और उनके सारे बीज निकाल दिए, क्योंकि हरी मिर्चों के बीज निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है अभी। तो यहाँ जो है मैंने उसके सारे बीज निकाल लिए थे। और अब मैंने यहाँ अचार गोश्त का पैकेट लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, चाहे तो आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं। और यहाँ इसको थोड़ा सेक रखना है, देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो है मैंने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और वहाँ आप देख भी रहे होंगे दूसरे चूल्हे पे कि मैं सालन को भूनती भी जा रही हूँ। अब यहाँ मैंने हरी मिर्च के अंदर ही मसाले को ऐड कर दिया है, देख सकते हैं किस तरीके से ऐड करना है। अगर आप लोग भी जाए तो इस तरीके से मिर्चों को भर के डालेंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी मिर्चें। और यहाँ जो है मैंने अदरक को बारीक बारीक काट लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च काट ली है गार्निशिंग के लिए। और यहाँ देख सकते हैं हमारी चिकन जो है अच्छे से गल चुकी है। अब टाइम आता है इसको अच्छे से भूनने का। और भूनने से पहले इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे। जो मसाला बचा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अभी जो है मैं थोड़ा सा ऊपर से भी मसाला डालूँगी क्योंकि कम था वो। अच्छा, चाहे तो आप लोग इसके अलावा नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं शान और नेशनल ही यूज़ करती हूँ, उसके अलावा कोई भी पैकेट यूज़ नहीं करती। और एक दफ़ा हरी मिर्चों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से हरी मिर्चें भरी थी। और यहाँ जो है अब इसके अंदर मैंने अचार गोश्त का पैकेट ऐड कर दिया है। अच्छा, विदाउट पैकेट के मसाले भी भले से मैं बता देती हूँ, जिसके अंदर है कलौंजी है, ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और साबुत धनिया है। और सौंफ जो है उसको हम लोग ग्राइंड करके डालते हैं, थोड़ा साबुत साबुत रह जाए। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, बाकी इंशाल्लाह रेसिपी बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी। यहाँ जो है मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद हम इसकी शक्ल देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और फिर इसको मैं थोड़ा अच्छे से और भूनूंगी ताकि ये बहुत मज़े की बचे। अच्छा, तो यहाँ जो है मैं नींबू ले रही हूँ। नींबू का जूस आप लोगों ने निकाल लेना है।
यहाँ मैंने नींबू लिया है और इसके अंदर मैंने नींबू निचोड़ दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, नींबू निचोड़ने के बाद इसको मैंने और अच्छे से भूना है, उसका कलर बिल्कुल रेड हो गया है। पहले देखा होगा इसका कलर कैसा था, येलो येलो, और अब देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो खाना भूनने से यही होता है कि आप लोगों का खाना जितना भूनेंगे ना उतना ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ जो मैंने हरी मिर्चें ली थी वो मैंने इधर ऐड कर दी हैं ताकि मज़ेदार खुशबू आ जाए। और यकीन करें आप लोग अगर ये ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये जो मिर्चें भर के डालते हैं ना चार गज में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।